जैसा कि आप जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है। लेकिन जब आप दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचते हो, तब क्या आपके दिमाग में कुछ फ्लूइडी सा आता है? नो? वेल, अगर नहीं आता तो हम उसे चेंज कर देंगे। ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वॉल। यहाँ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। ब्लड डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में कैरी करके ले जाता है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बॉडी के डिस्टिंक्ट पार्ट से कनेक्ट करता है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमें क्लियरली बताता है कि फ्लूइड्स भी कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं। ओके, अब हम और भी ध्यान से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी में दो मेन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड और लिम्फ है। अब हम उन्हें एक एक करके देखेंगे, और क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्लड से शुरू किया था तो हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब हमें पता है कि ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड है। ये एक पेल येलो कलर का फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये फ्लूइड पार्ट यानी प्लाज्मा ब्लड का 55% फॉर्म करता है। अगर हम प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन देखें तो 90-91% प्लाज्मा पानी होता है, और बाकी का 8% डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। इन एडिशन, प्लाज्मा डाइजेस्टेड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट भी कैरी करता है। तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड मैट्रिक्स या प्लाज्मा के बारे में। मैट्रिक्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन दूसरे टिपिकल कनेक्टिव टिश्यूज के जैसे इनमें कोई फाइबर नहीं होता। ये दोनों ब्लड और लिम्फ के लिए ट्रू है। हम देख सकते हैं कि ब्लड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स स्विम कर रहे हैं। उनमें से जो पहला टाइप जिसे हम देखने वाले हैं वो है रेड ब्लड सेल्स, जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये RBCs हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखते हैं, और ब्लड का स्केरी रेड कलर इन्हीं की वजह से होता है। हमें पता है कि ब्लड का कलर कितना डार्क होता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ब्लड में RBC सेल सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ RBCs रेड होते हैं और दूसरे ब्लड सेल्स नहीं? वेल, RBCs का रेड होने का कारण पिगमेंट मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। RBCs की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं जो उन्हें अनयूजुअल बनाती हैं। RBCs बड़े स्ट्रेंज शेप के होते हैं। वो कुछ डोनट जैसे दिखते हैं या फिर बिना होल के मेदुवड़ा जैसे, लेकिन दोनों साइड्स में सेंट्रल डिप्रेशन होता है। साइंटिफिकली हम इस स्ट्रक्चर को बाइकॉनकेव कहते हैं। अब एक बहुत ही वियर्ड चीज RBCs के बारे में देखेंगे। ये लिविंग सेल्स तो हैं, लेकिन RBCs का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के बिना RBCs को हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। इस स्ट्रेंज फैक्ट के साथ वी आर डन विद RBCs। अब हम अगले सेल टाइप व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं। ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। ये ब्लड में ऐसे सर्कुलेट करते हैं जैसे स्ट्रीट पे पुलिस पेट्रोल करती है। तो जब कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, WBCs उनसे लड़ने के लिए अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। WBCs मेनली 5 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में कई ग्रेन जैसी चीजें होती हैं। इन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इसलिए इन 3 टाइप के WBCs विद ग्रैन्यूल्स को ग्रैन्यूलोसाइट्स भी कहते हैं। अब एक नजर इन ग्रैन्यूलोसाइट्स के न्यूक्लियस पे डालो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सब में लोब्स या सेगमेंट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स में बहुत सारे लोब्स होते हैं, इसलिए ये मल्टी लोब्ड है। इओसिनोफिल में 2 लोब्स होते हैं, तो ये बाइलोब्ड है, और बेसोफिल में एक बीन शेप्ड लोब होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, दोनों लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, और उनके न्यूक्लियस में किसी तरह का सेगमेंटेशन भी नहीं है। इसका मतलब उनका न्यूक्लियस एक होल पीस में होता है, और इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होने की वजह से इन्हें एक ग्रैन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। ऐसे 5 टाइप्स के WBCs की वजह से हमारा ब्लड हमारी बॉडी के डिफेंस का ध्यान रख सकता है। अब लास्ट टाइप का ब्लड सेल जो ब्लड में पाया जाता है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बॉडी के इंटरनल बैंडेड होते हैं। जब भी हम ब्लीड करते हैं तब नियर बाय प्लेटलेट्स उस स्पॉट पे रश करते हैं। फिर ये प्लेटलेट्स सिग्नल भेज के और प्लेटलेट्स को बुलाते हैं,
और फिर सारे प्लेटलेट्स एक प्लग फॉर्म करते हैं या क्लॉट, जो ब्लीडिंग स्टॉप करता है और डैमेज को रिपेयर करता है। हमने ब्लड के बारे में कई इंटरेस्टिंग चीजें देखी, अब हम लिम्फ को एक्सप्लोर करेंगे। लिम्फ का मैट्रिक्स ब्लड के प्लाज्मा के काफी सिमिलर होता है। इनफैक्ट लिम्फ ब्लड से डिराइव होता है। मैं बताती हूँ कैसे। हमें पता है कि ब्लड आर्टरी से सेल्स के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, तो इन सेल्स तक पहुंचने के लिए प्लाज्मा को स्मॉल कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज में फ्लो होना पड़ता है। बड़े साइज की वजह से कुछ प्रोटीन्स जैसे कि फाइब्रिनोजेंस कैपिलरी से बाहर नहीं आ पाते। तो ये फ्लूइड जो ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेंस है, इसे अब इंटरस्टीशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टीशियल फ्लूइड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है, सेल से वेस्ट कलेक्ट करता है और लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करता है। अब इंटरस्टीशियल फ्लूइड लिम्फ कहलाता है, इसलिए लिम्फ का फ्लूइड मैट्रिक्स ब्लड से काफी मिलता जुलता है। तो फिर लिम्फ के सेल्स का क्या? वेल, ब्लड और लिम्फ के बीच में मेजर डिफरेंस है उनमें प्रेजेंट सेल्स। लिम्फ में सिर्फ लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो एक टाइप ऑफ WBC होते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि ब्लड के दूसरे टाइप के सेल्स भी होते हैं। दोनों ब्लड और लिम्फ की फ्लूइड मैट्रिक्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स बहुत से ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं और चीजें डिलीवर करते हैं। और इसके साथ हम इस सेशन के एंड में आ जाते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर्स। ब्लड और लिम्फ दो टाइप के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड के तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBCs में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। WBCs बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का ध्यान रखता है। WBCs पांच टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फ में सिर्फ एक टाइप का WBC होता है, जो लिम्फोसाइट्स है। लिम्फ बॉडी के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस सेशन के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।